बेसिकली हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है होगा कॉलेज कैसा है हमारा, क्या मतलब किस टाइप के सीनियर्स हैं, किस टाइप के हमारा एनवायरनमेंट है, कैसे इसकी कमियां हैं, किस टाइप की इसकी अच्छाइयां हैं। तो जो हम कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं उससे पहले मैं एक एग्जांपल पेश करने वाला हूं जो कि आप रिलेट भी कर पाएंगे। आपको दो चार दिन पहले एक मूवी दिखाई गई थी छिछोरे करके, तो छिछोरे में आपने देखा था कि कैसे एक हॉस्टल काफी बुरे सिचुएशन में रह रहा है। आप लोग का तालियां बजा रहे थे कि कैसे उनका खाना बेकार है या फिर हॉस्टल के रूम बेकार हैं, और डिबेट कर रहे थे कि हमारा भी यही है, तालियां बज रही थी, इस टाइप का सिचुएशन हो रहा था। बट उनमें और हमें डिफरेंस क्या है, भले हम मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें, उनका हॉस्टल जो था, मतलब उनका कॉलेज था, वो टॉप के कॉलेजेस में था, वो जो देख रहे हैं मूवी के हिसाब से देख रहे हैं। और ऐसा सिचुएशन बल्कि रियल में भी होता है, कई कॉलेजेस में होता है, हमने एक्सपीरियंस किया है, हमें स्टोरी सुनी है उस टाइप की। तो ये डिफरेंस जो था कि हाँ हमारा खाना बेकार है, हमारा सिचुएशन बेकार है, एनवायरनमेंट बेकार है, ये होते हुए उनका कॉलेज टॉप पे था। अगर आप अपना कॉलेज देखेंगे तो हमारे साथ भी यही चीज़ें हो रही हैं, चाहे खाने को लेकर आप लोग नोट्स निकालने के लिए पता नहीं कितनी सारी निकाल सकते हैं, पर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी कॉलेज को टॉप पे ले जाने के लिए वो होती है इनोवेशन, खासकर बीटेक जैसे कॉलेजेस के लिए, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो कॉलेजेस हैं। अगर आप एमए बीएससी वगैरह कर रहे हैं ठीक है, वो अलग आप कर सकते हैं, बट अगर टेक्नोलॉजी उस आपकी कोर्स में ही है तो आपको कुछ ना कुछ इनोवेशन में जुड़ना पड़ेगा, उसको बिल्ड करना पड़ेगा। तो उस बिल्डअप के लिए हम एक सोसाइटी डेवलप करने वाले हैं जो इस एनवायरनमेंट को बदलेगी, और उस सोसाइटी का नाम है विंची इनोवेटिव सोसाइटी, जो कि अभी स्टार्ट होने जा रही है इनिशियल स्टेज पे। सेकेंड थिंग आप देखेंगे यूरेका इस साल का हमारा टेक्सेस होगा, पहले होता था स्पंदन नाम से होता था, बट इस वक्त हमने इस चीज़ को चेंज करा है, यूरेका स्टार्ट करा है। इवन यूरेका के पीछे की भी एक कहानी है जो हमने बिल्ड करी है। तो यूरेका आर्किमिडीज, आपने सुना होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सुना है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज एक ऑलमोस्ट जीनियस बल्कि मैड साइंटिस्ट टाइप का आदमी था। तो आर्किमिडीज का यूरेका मोमेंट आया था। यूरेका का मतलब क्या है आप जानते हैं, आप में से कोई जानता है यूरेका का मीनिंग हो बताओ? हाँ, इन्होंने सही जवाब दिया है, आई गॉट इट वाला मोमेंट यूरेका ये पाया था आर्किमिडीज ने। साइंस में आप पढ़ेंगे, हिस्ट्रीज पढ़ेंगे तो आपको कई इंस्टेंसेस मिलेंगे यूरेका मोमेंट्स के, इवन न्यूटन से लेके या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन से लेके। मैं आर्किमिडीज वाली कहानी बताता हूँ। आर्किमिडीज उस टाइम पे मतलब ग्रीक में रहता था और उस टाइम का राजा था। तो राजा ने ये कहा था कि आप पता करिए कि ये जो क्राउन एक उनको दिया गया था गिफ्ट में, ये प्योर गोल्ड का बना है या नहीं है, नकली गोल्ड का है, तो मेटलर्जी वगैरह करके जो भी उन्होंने फिक्स किया है। तो उस गोल को पता करने के लिए कि असली है कि नहीं, वो लगातार सोच रहे थे, उस टाइम पे साइंस वगैरह इतनी नहीं थी लगभग, तो वो नहा रहे थे कि इवन अपने बाथरूम में गए नहाने मग वगैरह लेके साबुन लेके गए थे। तो नहा जब रहे थे उस टाइम पे उनको अपना यूरेका मोमेंट आया, आई गॉट इट, ये उन्होंने रियलाइज करा। उन्होंने क्या फील करा उस टाइम पे, उनका ये पता चला उन्हें कि कैसे कोई चीज तैरती है पानी में। ये आप रियलाइज कर सकते हैं कि कितनी बड़ी डिस्कवरी है। आप ब्योयंसी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं साइंस में, आपने ट्वेल्थ में पढ़ी होगी। तो ये फैक्टर जो उन्होंने फील करा, यूरेका मोमेंट उनका आया, ये आते ही वो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए मार्केट में नेकेड भागे थे। आप सोच सकते हैं उस टाइप का सीन कि वो किस टाइप के मैड थे, किस टाइप के पागल थे, जुनूनी थे कि वो इस टाइप का कर सकते थे। तो ये यूरेका मोमेंट आया था। यूरेका मोमेंट आ सकते हैं, कई यूरेका मोमेंट आ सकते हैं। आइंस्टीन अगर ग्रेविटी की थ्योरी डिस्कवर करने में लगा है या फिर
उसके बारे में थिंक कर रहा है, रिलेटिविटी के बारे में थिंक कर रहा है, या फिर कोई और साइंटिस्ट है जो कि इवन बायोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो थिंक कर रहे हैं, इवन जैसे शुगर वगैरह एक वो था फूड वाला था आदमी, उसने फूड साइंटिस्ट था, तो वो टेस्ट वगैरह करके अपने रूम में बैठा और रूम में बैठते ही मतलब उसे हाथ उठ नहीं धोए थे, तो अचानक उसे टेस्ट करा, उसने खाना खाया तो उसका मीठा लगा उसे, तो मीठा लगा उसको, उसने फिर पता लगाया कि मीठा किस टाइप का था, तो बल्कि वो जाके हर जितने केमिकल उसने यूज करे थे या फिर फूड वाली चीजें यूज करी थी सब कुछ उसने वापस टेस्ट करा, टेस्ट करा, तो उसे रियलाइज हुआ सैक्रीन के बारे में कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि शुगर पेन वगैरह इन सब चीजों से ना बनते हुए केमिकली प्रोड्यूस हो सकता है, तो जो कि आप लोग डायबिटीज वगैरह में यूज कर सकते हैं, ये सब डिस्कवर हुआ, ये उसका यूरेका मोमेंट था। तो यूरेका मोमेंट उसी हिसाब से हम सोचते हुए ये यूरेका हमने स्टार्ट करा है इस साल का टेक फेस्ट हमारा, जिसमें आप लोगों का हम ट्राई करेंगे कि सोसाइटी की मदद से, विंच इनोवेटिव सोसाइटी की मदद से आप लोगों का यूरेका मोमेंट क्रिएट कर सके हम। तो अगर हमने ये बता दिया कि यूरेका किस टाइप का है, इसी बल्कि बैकग्राउंड इसी बता दी, अब आपको और हल्का से क्लियर करेंगे क्विंची का क्या सिग्निफिकेंस है। स्लाइड चेंज। तो ये सोसाइटी जो शुरू होने वाली है वो है क्विंची इनोवेटिव सोसाइटी, जिसका पर्पस ही होगा आपके आइडियाज को, आपकी जो भी इनोवेटिव या फिर क्रिएटिव जिस भी फील्ड में हो, टेक्निकल या फिर आर्टिस्टिक जो भी फील्ड होगी, उसको हमारे स्किल्स के थ्रू या फिर आपके स्किल्स के थ्रू इंटीग्रेट करके उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, ये इस सोसाइटी का पर्पस है। तो साइड चेंज। हो सकता है आप लोग विंची को जानते होंगे, आप जानते हैं विंची को, कोई जानता है? हाथ खड़ा करिए, बताइए आप। ही वाज अ पेंटर। आपको मोनालिसा सही जवाब है। और बता सकते हैं कोई उसके बारे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सब उन्हें पेंटर के रूप में जानते हैं। स्लाइड चेंज। ये दो पेंटिंग है जो उन्होंने बनाई थी, तो इन जो ये पेंटिंग बनाई है ये बनाई गई है आप मान लीजिए 15th सेंचुरी में, आज से 500 साल पहले, और विंची की इमेज फुल क्या बोलते हैं पेंटर के रूप में है। पर आप सोच सकते हैं कि यार हम इंजीनियरिंग करने आए हैं यहाँ पर, पेंटिंग वगैरह से हमसे क्या मतलब, लाइक हम ब्रांचेस अपने अपने ब्रांचेस का देखेंगे या फिर अपनी सीएससी और मैथ्स वगैरह जो भी हम जेई वगैरह करके आए हैं उस पर फोकस होना चाहिए, हम पेंटिंग की बात क्यों कर रहे हैं। अब आपको एक तरीके से विंची का एक नया रूप देखने को मिलेगा। तो आप लोग कितने लोगों में से, आप लोगों में से कितने लोग मतलब जानते हैं कि व्हाई द स्काई इज ब्लू, कोई बता सकता है व्हाई द स्काई इज ब्लू? सिंपली जो हमारी संडेज आती है वो सील मतलब हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारे स्टेटस से नीचे वो आती है, तो लेयर्स में वो हो जाती है पर्टिकुलर स्कैटर हो जाती है, तो ब्लू कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, दैट्स व्हाई हमें ब्लू अपीयर होता है वो सब कुछ। चलिए बिल्कुल अच्छा जवाब, तालियां बजाइए इनके लिए। तो ये जवाब इनको आता है, बट मजे की बात यह है कि विंची को नहीं बताती ये बात, बल्कि उनके डेथ के 350 साल बाद किसी ने डिस्कवर करा 1860 में कि व्हाई द स्काई इज ब्लू, ठीक है। बट उनमें और हमें, विंची में और हमें डिफरेंस क्या है, ये चीजें हम बुक से रट लेते हैं, या फिर सेकेंड केस ये होगा कि आप हम इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, ये डिफरेंस रहता है। उनकी पेंटिंग्स अच्छी खासी थी, आप जैसे दिख रहा है कि सब जानते हैं उन्हें एज अ पेंटर, तो पेंटिंग उनकी अच्छी थी, वो चाहते तो अपना पेंटिंग करके 9 to 5 जॉब करके अपने टाइम का जो भी होता होगा उस टाइम का वो कर सकते थे और नॉर्मल अपना गुजारा वगैरह कर लेते, जैसे आजकल के सीनियर्स लगे हुए हैं जॉब ढूंढने में 9 to 5 वाली, तो उस टाइप का माहौल उनका हो सकता था। बट उन्होंने ये चीज नहीं की, उन्होंने
कुछ अलग किया, हटके किया। तो हटके क्या किया और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यही है कि उनके मरने के लगभग 500 साल बाद और उनके प्लेस ऑफ बर्थ इटली से कई किलोमीटर दूर इस उत्तराखंड के GVIT कॉलेज में हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनके नाम पे एक सोसाइटी का नाम पड़ रहा है। हेलो, हाँ। तो विंची को रेनेसां का आर्काइव कहा गया है, मतलब एक ऐसा बंदर जिसके ऊपर रेनेसां के जितने भी आगे के लोग आए हैं उनके उनकी इमेज उन्हीं से कंपेयर की जाती है, उन पे बेस्ड है। तो आर्काइव किस लिए है? क्यों हम पढ़ते हैं? जैसे यूरोप का रेनेसां पीरियड आया, चेंजेस आए, तो किस टाइप से लिटरेचर, टेक्नोलॉजी और कल्चर में बड़े बदलाव आए इनोवेशन के थ्रू। और इस रेफरेंस जो हम लेते हैं इस रेनेसां मैन वाली इमेज का, वो लियोनार्डो द विंची पे बेस्ड है। सो चेंज द स्लाइड। ओके ओके। सो लियोनार्डो जो थे, आपने कहा जैसे पेंटर थे, बट आप इमेजेस देखेंगे तो यहाँ पे एनाटॉमी मशीन्स, और ये भी ऑलमोस्ट एनाटॉमी में आता है, और ये वॉर, इन सब चारों फील्ड में उनका बराबर योगदान था अगर आप देखेंगे तो। आप एज ए पेंटर सिर्फ नहीं कह सकते, बल्कि वो उनका ब्रॉड पर्सपेक्टिव था। पर लियोनार्डो खुद को कभी ऐसा साइंटिस्ट या सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बुलाते थे, उनका जो साइंस था वो उनके आर्ट को, और जो उनका आर्ट था उनके साइंस को सपोर्ट करता था। तो चलिए इसका बल्कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं उनके पागलपन और जुनून का, सेम लाइक आदमी नीज, कि उनकी नोट बुक्स में वो अपना टूडल लिस्ट लिखते थे, टूडल लिस्ट जैसे हम बनाते हैं आज भी, वो भी बनाते थे अपने टाइम पे, पर उनके कुछ ज़्यादा ग्रेड होते थे हमसे। तो उनमें से बल्कि यही था कि टू अंडरस्टैंड हाउ वी स्माइल, मतलब कैसे हम स्माइल करते हैं, हम हंसते कैसे हैं, सिर्फ इतनी सी छोटी सी चीज़ थी, ये समझने के लिए, ये समझने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा करा जो कि उस टाइम के लोग मतलब सोचते भी नहीं थे। उन्होंने ऐसा क्या करा? उन्होंने डेड बॉडीज मंगाकर उनके स्कल्स और उनके मसल अलाइनमेंट को रात रात पर स्टडी करा। मतलब आप सोच सकते हैं कि स्माइल समझने के लिए उस टाइम पे मेडिकल वगैरह या फिर एनाटॉमी इतनी डीपली नहीं थी, मेडिकल तो था ही नहीं इतना जितना आज के टाइम पर है। उसको समझने के लिए उन्होंने ये करा और उसका रिजल्ट क्या निकला आप गेस कर सकते हैं? तो स्माइल को समझा, मैं बताता हूँ। तो उसका रिजल्ट ये निकला, उन्होंने मोनालिसा की, आप पेंटिंग देख रहे हैं, मोनालिसा की पेंटिंग उसके बाद बनाई थी। तो मोनालिसा की जो पेंटिंग थी उसकी स्माइल का सिग्निफिकेंस समझेंगे, तो उसमें वो हंस भी रही है, रो भी रही है, दो तीन टाइप के एक्सप्रेशन एक साथ बनाना, और किसके थ्रू? इस एनाटॉमी के थ्रू, कि वो स्कल्स को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, मसल अलाइनमेंट समझ रहे हैं। ये आप आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन देखिए, ये विंची ने कर दिखाया था। तो विंची परस्यूड हिज साइंटिफिक इंक्वायरीज नॉट जस्ट टू सर्व हिज आर्ट बट आउट ऑफ जॉयफुल इंस्टिंक्ट टू फैदम द प्रोफाउंड ब्यूटीज ऑफ क्रिएशन। व्हेन ही ग्रोप्ड फॉर अ थ्योरी ऑफ व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू इट वॉज नॉट सिंपली टू इन्फॉर्म हिज पेंटिंग्स, हिज क्यूरियोसिटी वॉज प्योर पर्सनल and delightfully obsessive. This integration of arts and curiosity to understand everything there is and is what made him so great. Aur ye art is not limited to paintings, but it's an expression of his innovative mind to connect with the beauty of nature and to innovate, express and build something so profound that you will remember throughout the history. To humne abhi tak Vinci ke bare mein lagbhag sab kuch dekh hi liya ki unka kya background tha, history thi, कैसे कैसे अलग अलग फील्ड में उन्होंने काम करा। तो पर क्या हम, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम विंची जैसा बन सकते हैं, लाइक कैन वी बिकम लाइक हिम? तो हाँ, विंची जीनियस थे, वाइल्डली इमेजिनेटिव, पैशनेटली क्यूरियस एंड क्रिएटिव अक्रॉस मल्टीपल डिसिप्लिन्स, बट उनका जीनियस वॉज ह्यूमन, वो भी इंसानी थे उनका, बल्कि आइंस्टीन या न्यूटन जैसे नहीं थे कि वो हाई प्रोसेसिंग ब्रेन पावर टाइप के आदमी हो, और ऊपर से उन्होंने बल्कि स्कूलिंग भी नहीं की थी, ना ही उन्हें लॉन्ग डिविजन्स वगैरह आते थे जो कि आप सभी को आते होंगे यहाँ पर। उनका जीनियस वॉज उनके क्यूरियोसिटी पे डिपेंड था, इसलिए उनका ऐसा जीनियस था जो कि हम सब में आ सकता है अगर हम सब उन्हीं की तरह थोड़ा और क्यूरियस ऑब्जर्व करें अपने आसपास को, अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स को समझें और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें जिस तरह से भी हम केपेबल हैं।
और हम ऐसा करें तो जरूर हम ये चीज ऐसा बन सकते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज, हमें क्या करना चाहिए? अभी सोसाइटी का क्या आइडिया है? अब सोसाइटी किस लिए स्टैंड कर रही है इस पोजिशन में, खासकर अपने कॉलेज में? तो क्योंकि हम सब इंजीनियर्स हैं यहाँ पर, तो हमें ये प्रॉब्लम थ्रू टेक्नोलॉजी सॉल्व करनी है, और ये सोसाइटी उसमें ज़रूर आपकी हेल्प करेगी। और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, बल्कि नई टेक्नोलॉजीज को इंजॉय करना, एक्सप्लोर करना और फन प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना, हैकाथॉन्स करना, और हम रोज कुछ नया सीख सकें, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम काम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ अभी कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे वेब, एंड्रॉयड, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, IoT जैसे कई टेक्नोलॉजी फील्ड में से लेकर फोटोग्राफी, पेंटिंग, वीडियो एडिटिंग जैसे कई क्रिएटिव फील्ड्स पर वर्क कर सकते हैं हम थ्रू कोलैबोरेशन, आपस में मिलकर, क्योंकि इनोवेशन किसी भी फील्ड में किया जा सकता है, आइडियाज कुछ भी हो सकते हैं, पर कुछ को मौका नहीं मिल पाता। हम जैसा हम जानते हैं कई लोगों को मौका नहीं मिल पाता सिचुएशन की वजह से, तो उसे डेवलप कर पाने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपकी मदद करेगा। सो वेंचर इनोवेटिव सोसाइटी इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म जहां आपका वियर्डेस्ट से वियर्डेस्ट आइडियाज वियर्ड उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, और टीचर्स और हमारे कॉन्टैक्ट्स की मदद से उस फील्ड के एक्सपर्ट की भी सलाह ली जाएगी और उसे रियलिटी में कन्वर्ट करा जाएगा। क्योंकि क्या पता हम आप हमारे बीच में से ही कोई और वेंचर निकल के आ जाए हमारी मदद से, और वो इस कॉलेज का एक नया रेनेसां लेकर आ जाए। तो ये हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसको बोलिए। और नेक्स्ट टाइम, ये अभी हमारा जो फेस्टिवल होने वाला है यूवे का, अभी डिस्कशन होंगे और टाइम वगैरह डिसाइड होगी आगे चलते। तो चार पांच पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि जो प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हर ब्रांचेस से कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे आपको शोकेस होंगे, बल्कि आप खुद का अगर आपका प्रोजेक्ट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो VIS इनोवेटिव सोसाइटी इसको ऑर्गेनाइज कराने जा रही है विद कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट एक्टिविटीज है। तो ये प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होंगे, प्लस स्टार्टअप एक इन्वायरमेंट होता है किसी भी कॉलेज में, बल्कि आप बाहर जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने के लिए, या फिर आप इनोवेशन पे ही काम कर रहे हैं हम लोग मिलकर, तो हो सकता है आप स्टार्टअप आइडियाज हों आपके बीच में, या शार्क टैंक वगैरह तो आप देखते ही होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उस आइडिया को डेवलप किया जाए या फिर उसे बिल्ड करा जाए, उसे पिच करा जाए, ये सब आप सीख सकते हैं। तो उसके लिए एक और स्टार्टअप फीचर्स हमारे कराए जाएंगे, ठीक है। फिर मशीन फाइट्स उसमें की जाएगी, जिसमें लगभग रोबोट्स वगैरह बना के उनको फाइट कराया जाएगा, और उनके ग्रुपिंग वगैरह होंगे कि किस डिपार्टमेंट के, या फिर वो हम डिसाइड करेंगे, और फाइनली जो जीतेगा उसके हिसाब से सर्टिफिकेशन वगैरह, इन सब में सर्टिफिकेशन वगैरह दिया जाएगा एंड। सो नेक्स्ट इज टेक्निकल डिबेट्स, टेक्निकल आप डिबेट्स कराए जाएंगे, फिर कोडिंग कॉम्पिटिशन भी हो सकता है, एंड देन वियर्डेस्ट आइडिया पेज। ये हमारा VIS के ओर से ही है कि अगर आप बहुत यूनिक सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रियल हो, या फिर अगर वो आप सोच सकते हैं और इसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, लाइक जैसे उस टाइम पर अगर ये कोई बोलेगा कि BONC या फिर सन घूम रहा है, उसे माना जाता था कि सन घूमता है, रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ, तो उस टाइम पर अगर किसी ने बोल दिया होता कि नहीं अर्थ रिवॉल्व करता है तो हंसते लोग उस पर। तो वियर्डेस्ट आइडिया इसी पे है कि आप आइडिया लेकर आइए अपना किसी भी चीज़ में, कि अगर आप घुड़दौड़ी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ भी बदलाव लाना चाहते हैं, और उसके लिए ये हम करना चाहते हैं, ये बदलाव आ जाएगा इससे, आप हमारे पास आ सकते हैं, वो आइडिया पिच होगा, इवन उसका वोटिंग मैकेनिज्म होगा, उसको रैंकिंग दी जाएगी और ऐसी स्टेज पे उसे करवाया जाएगा। तो ये हमारे VIS की ओर से एक कंसेप्ट है। एंड नेक्स्ट इज समथिंग यूनिक यू वांट टू प्रेजेंट, अगर आप ट्रूली टेक्नोलॉजिकल हैं या फिर क्रिएटिव हैं और आप अपना खुद का एक बहुत यूनिक आइडिया या फिर कोई प्रोजेक्ट या फिर बहुत अलग आपने कुछ और करा है तो उसे आप शोकेस करना चाहते हैं, तो एंड में हम वो भी करेंगे। प्लस इसके अलावा कोई और चीज़ अगर आपके आइडियाज हों, ये पांच छह चीज़ों के अलावा, क्योंकि अभी ये टेम्परेरी है और ऐड किया जा सकता है इनमें, और ये ऐड करने के बाद उन्हें प्रेजेंट करा जाएगा। तो अगर आपके खुद के आइडियाज हों कि हमें ये ऐड करना चाहिए इस फेस्टिवल में या फिर कुछ और हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं और उसके बाद हम इसे डेवलप करेंगे,
और डेट्स वगैरह जो होंगी वो अभी सैक वगैरह से डिसाइड की जाएंगी और जो डिपार्टमेंट वगैरह बताते हैं उनके हिसाब से फाइनली डिस्कस होगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। और समथिंग एल्स आई वांट टू ऐड कि सिलेक्शंस होंगे, ठीक है, कि हर उस अलग अलग डिपार्टमेंट से, सीएससी से, पीसी से और मैकेनिकल वगैरह जितने भी हैं, तो जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनेंगे या फिर जितने भी डेवलपमेंट होंगे या इनोवेशन वगैरह पे जो भी हम काम करने जाएंगे, उसके लिए बच्चे चाहिए हमारे पे जो कि थॉरली इन्वॉल्व हो उसमें, उसके लिए सिलेक्शन होंगे। सिलेक्शन की भी डेट्स आपको उस ग्रुप्स वगैरह में, ग्रुप्स के लिए आपको अगर आपने नहीं कर पाए तो उसे फॉरवर्ड कर देंगे हम, आपके पास पहुँच जाएंगी, तो आप उससे जुड़ जाइएगा, आपको अपडेटेड रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहेंगे। सो दैट्स ऑल, कंक्लूड करते हैं, थैंक यू ऑल।